और मुझे ये याद आ रहा है उस टाइम में एक बार हम स्कैन था कि हॉस्टल में आया काफी 98-2000 के आसपास की बात है। 98 से लेके लगातार 2018 चल रहा है, बीच बीच में तेरी पोस्टिंग बार होती रही लेकिन ज्यादा मैं सीकर नहीं रहा। सीकर मेरी पोस्टिंग लगभग 8 साल रही है, 98 से 2002 तक रहा। फिर एक साल मैंने यूएन मिशन किया, डेपुटेशन पे मैं यूरोप रहा एक साल, पुलिस की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं कायम खानी समाज की बात करें, यूएन मिशन में कायम खानी समाज से 2 अधिकारी पुलिस की तरफ से आज तक थे, जिनमें एक सरबत साहब थे जो आई थी रिटायर हो गए। सरबत साहब यूएन मिशन में गए थे मेरे से पहले और उसके बाद सेकेंड मैं गया। वहाँ एक साल यूएन मिशन में काम किया, वहाँ बड़ा अच्छा काम करने का मौका मिला। यूएन में 35 देशों की पुलिस वहाँ काम कर रही थी, उन 35 देशों में इंडिया से रिप्रेजेंट उस 2002 दिसंबर में गए थे, उस बैच में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उस टाइम इंडिया रिप्रेजेंट किया। वहाँ के काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, जो हर देश की अलग अलग अपनी अपनी अलग पॉलिसी होती है। वहां की पॉलिसी के बारे में बात करूँ तो वहां की जो पॉलिसी थी वो इस टाइप की होती थी कि वहां हर चीज की अलग अलग यूनिट बनी होती है। जैसे यहाँ क्राइम होता है तो क्राइम पे थाने से कोई भी आईओ जाएगा, डीएसआई जाएगा, सब इंस्पेक्टर जाएगा या सीआई जाएगा, वही वहां पे नक्शा मौका बनाएगा, वही वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, वही बयान देगा, वही कोई एविडेंस होगी तो वो वहां से कलेक्ट करेगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं, ये अपने यहाँ क्योंकि अपने यहाँ लिमिटेड अपने पास सोर्सेज होते हैं, वहां सोर्सेज उनके पास बहुत है, वहां हर काम की अलग अलग यूनिट होती है। जैसे मौका देके जाएगी वो टीम अलग होती, मान ली पहले उससे पेट्रोलिंग करेगी, वो पेट्रोलिंग दूसरी टीम करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन की अलग टीम होती है, उसके बाद साइंटिफिक एड जो होती है जिससे साइंटिफिक कोई मौके पर जो एविडेंस मिलती है वो साइंटिफिक टीम अलग होती है। तो ये आजकल तो अपने यहाँ भी अलग करने लगे, एफिशिएंसी टीम आजकल लाने लगे, लेकिन मैं 2003 की बात कर रहा हूँ कि जब मैं वहां गया था उसमें ये चीजें अपने यहाँ नहीं थी। अपने यहाँ जैसे मोबाइल्स आए हैं वो कब आए हैं, पिछले 5-10 साल से वहां मोबाइल्स है, वो 2003 में वहां पुराने हो चुके थे, 20 साल पहले एडवांस होता है लोगों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां काफी कुछ अच्छा रिसीवी को मिला, उसका फायदा यहाँ भी मिला। रिसीवी में ज्यादा रहा, यहाँ पे सीकर में मैंने काफी काम किया, मैंने पकड़ने का काम किया, मैं ज्यादातर उस डिपार्टमेंट में रहा जहाँ भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम था, तो मैंने वो काम खूब किया। यहाँ सीकर रहा तो सीकर में जो मैंने ट्रैक किए थे उस टाइम 2010 तक, तो वो आज तक कोई भी उसके बाद भी जितने भी अधिकारी ऐसी भी कहे मेरा रिकॉर्ड कोई सीकर का नहीं। पुलिस की जो वर्किंग है, शुरू में मैं सब इंस्पेक्टर हुआ था इंटेलिजेंस की वर्किंग, इंटेलिजेंस पे काम होता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, वो काम किया। उसके बाद एसीबी में आ गया, 17 साल एसीबी में आपको एसीबी का काम किया। उसके बाद रेगुलर डिप्टी एसपी बना 2013 में, तो फिर मैं एटीएस में आया, जो एटीएस का भी मुझे अनुभव मिला, जो आतंकवाद विरोध दस्ता होता है ना एटीएस, उसमें मैंने जॉइन मिला। और उसके बाद फिर मैं सीओ लगा, सीओ मतलब फील्ड की जो नौकरी वर्दी वाली नौकरी है ये मैंने 5 साल से अब कर रहा हूँ, तो हर तरह के तरीके के अनुभव वो अपन को मिले, और हर फील्ड का नॉलेज है। कोई एसीपी का कोई पकड़ लिया किसी को उसके बारे में कोई राय लेना चाहे तो वो राय में बहुत अच्छी दे सकता है, समाज में अपने मालूम ये चीज बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है किसी को पकड़ना, मतलब डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है उसको पकड़ना ही पड़ेगा। जिस बैंक में अपन को लगा दिया चोरों को पकड़ने का काम है तो अपन चोरों को पकड़ेंगे, लेकिन जिसका जिसका आदमी सारा ट्रैप हो गया उसके लिए तो ये कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन फिर भी मान लो किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती और उस पर कोई राय लेनी चाहे कि हाँ ये ऐसा हो गया इसमें हम क्या करें, तो उस चीज के लिए मैं सभी को इन्वाइट करता हूँ, कोई मेरी किसी तरह की राय आवश्यकता हो तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसी तरह से आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप काम पुलिस वाला वर्दी वाला काम कर रहे हैं, तो इसमें भी मैं सूरतगढ़ रहा, यहाँ से पहले मैं सीओ सूरतगढ़ था गंगा नगर में,
हमारे बहुत अच्छा काम किया पूरे जिले में, वहाँ पूरे जिले में मेरी जो पेंडेंसी होती है हमारे बुजुर्गों की, उस पेंडेंसी में मेरी सबसे पूरे जिले में सबसे कम पेंडेंसी मिली है। यहाँ भी सीकर में पिछले साल मैं 2017 में आया था यहाँ पे फरवरी में, तो पूरे जिले में पेंडेंसी मेरे सर्कल की सबसे कम रही। आप जहाँ भी रहोगे, कायम खानी नाम जो होता है ना कायम खानी, ठीक है, तो ये अपने आप में यहाँ कायम खानी का मतलब ही जो अपनी बात पे कायम है। मैं आप लोगों को मेरा मोटिवेट करने का उसका मतलब ये है कि जहां भी हम जिस फील्ड में भी रहे वहां अपन को काम करने का मौका मिलता है, अपन को काम करके दिखाना चाहिए। तो का मतलब ये कायम खाने का मतलब जो अपनी बात में कायम रहे, जो लोयल हो, जो वफादार हो, उसको कायम खानी कहते हैं। तो बच्चे लोग जिस फील्ड में भी आप तैयारी करो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, मैं तो आपको कहता हूँ कि केके जितने भी केके बच्चे कायम खाने के बच्चे हैं उनका ध्यान बाकी दूसरे एग्जाम में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी जो फोर्स की नौकरी है ना, बैंड की नौकरी जिसको कहते हैं, चाहे वो आर्मी में हो चाहे वो पुलिस में हो, अपना नाम जो है ना वो आर्मी और पुलिस की वजह से ही चलता है। मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मेरे परिवार में मैं चौथी पीढ़ी में पुलिस में हूँ। मेरे पिताजी खानदान थे, मेरे वालिद साहब खानदान थे पुलिस में, मेरे दादाजी पुलिस में थे और मेरे परदादाजी भी पुलिस में, तो चौथी पीढ़ी में मैं सब इंस्पेक्टर पुलिस पेपर की हूँ। मेरा छोटा ब्रदर है वो भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, वो सीआई बन गया, डीपीएस बनने वाला है, मेरे तीन चार साल छोटा है। कहने का मतलब हमारा इंटरेस्ट एक आपने फिर चुन लिया तो उसमें आपको फिर अच्छे चांसेस मिलेंगे, आपको मौका मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी क्योंकि आपने पहले से वो काम किया हुआ है। तो हमारी चौथी पीढ़ी मेरे दोनों बच्चे हैं वो थोड़ा अलग फील्ड में चले गए, एक बेटा मेरा सिविल इंजीनियर है जयपुर में और एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में एमटेक कर रहा है मैकेनिकल, वहां भी उसकी अच्छी रैंक चल रही है, वो बहुत बढ़िया अच्छा नाम कर रहा है। तो आप लोग मेरा कहने का मतलब कंपटीशन में तैयारी करो, ये कोई जरूरी नहीं है पुलिस और आर्मी में ही जाए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, जो कायम खाने की होती है प्रायोरिटी, वो आर्मी और पुलिस होनी चाहिए। उसमें पढ़ाई तो आपको करनी करनी है, पढ़ाई तो आप करोगे बिना पढ़ाई के तो आप कंपटीशन में किसी में भी पास नहीं होगे। आजकल कंपटीशन सिपाही का भी पुलिस के कॉन्स्टेबल का भी कंपटीशन इतना टफ हो गया कि पास होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपका स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है, मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप जब तक पुलिस में या आर्मी में जाओगे तो जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो, एक तो आपका मेडिकल होता है उसमें, तो आपकी हाइट चेस्ट ये चीजें उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, जनरल दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं पुलिस में उसमें हाइट भी जैसे आर्मी में 171 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, इसी तरह पुलिस में भर्ती होते हो आप सिपाही या सब इंस्पेक्टर या डीएसपी होते हो तो उसके लिए हाइट जो है ना वो मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर मिनिमम होती है। तो कुछ दूसरे डिपार्टमेंट से आर्मी और पुलिस में थोड़ा अलग मापदंड होता है, वो फिजिकल बता रहा हूँ। इसमें आप देखें तो गेम्स का सबसे ज्यादा महत्व होता है, एनसीसी का भी उसमें पार्ट होता है। मैंने बचपन से ही मेरा गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, मैं फुटबॉल और हॉकी में कॉलेज लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट करता है, पुलिस में आया 84 में तब भी पुलिस टूर्नामेंट होते थे उनमें भी मैं फुटबॉल हॉकी में मैं पार्टिसिपेट करता शुरू शुरू में, आज भी मैं खेलता हूँ बैडमिंटन खेलता हूँ, अब फुटबॉल हॉकी में नहीं खेला जाता इस एज में, बट आज भी मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ किसी 15 साल। तो आपको आर्मी और पुलिस में आना होगा तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना, इसके लिए ये आप गेम्स में भी रुचि भाई पढ़ाई का मतलब नहीं है, पढ़ाई आप कर ही रहे हो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये चीज की जरूरी है, ऐसा नहीं कि अपन पढ़ाई के पीछे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को खूब कर रहे हैं और उधर शरीर की तरफ से अपना बिल्कुल ही हाल खराब हो, तो पढ़ना तो नहीं है वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी आपकी गेम्स की होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। सुबह सुबह यहाँ हॉस्टल में मुझे लगता है कराते होंगे यार थोड़ी बहुत फिजिकल फिटनेस के लिए कराते होंगे, पास नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि आपको जितना इम्पोर्टेंस इनकी पढ़ाई की है उसके साथ साथ उतनी इम्पोर्टेंस गेम्स और फिजिकल फिटनेस की, इन चीज़ों पर अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और इनके मार्क्स भी अलग होते हैं। जैसे गेम्स में आप अगर सब इंस्पेक्टर में एग्जाम दोगे तो आगे जो आपका फिजिकल होगा
आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें अगर आप एनसीसी आपने अगर सी सर्टिफिकेट कर रखा है, एनसीसी होती है ना कॉलेज में या स्कूल में भी होती है, तो अगर आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट कर रखा है तो वहाँ आपका इंटरव्यू होगा पुलिस का सर्टिफिकेट का या बीएसपी का या कॉन्स्टेबल का, तो उसमें आपके मार्क्स कुछ अलग उसमें फिक्स होते हैं। ये चीजें हैं जिनको अपन को ये थोड़ा सा आजकल क्या है टेक्निकल युग आ गया, पहले ये मोबाइल नहीं होते थे, ये पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, तो आजकल अपन को एजुकेशन जो अपन ले रहे हैं तो उसमें आपको न केवल सिंपल एजुकेशन बल्कि टेक्निकल एजुकेशन की भी आवश्यकता है। हर बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हर बच्चे को अपन मोबाइल में देखते हैं आजकल तो दुनिया भर में एप्स एप्लीकेशन होती है, फेसबुक है चीजें हैं, तो उसके थ्रू अपन हर चीज से एक्वेंटेड हो सकते हैं। जो चीजें अपन को वो टाइम बाद मिलती है वो चीजें अपन इन माध्यम से जैसे सोशल मीडिया है इनसे संपर्क से पेपर्स वेपर्स तो पुराने होते हैं, आज वो सब चीजें मोबाइल में है। मोबाइल में आप आज के बच्चे अलग मोबाइल खुद यूज करते हैं, लेकिन मैं उसमें आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि उसमें जो अपने काम की चीजें हों वो ही आप बाकी टाइम मोबाइल में बच्चे आज देखते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन मोबाइल में जो चीजें अपन को पॉजिटिव लगी जो चीजें अपने काम की उन्हीं पे उन्हीं के लिए आप मोबाइल दे रहे हैं, ऐसा नहीं अपन बैठे हैं उसमें कई चीजें नेगेटिव किया तो नेगेटिव चीजों पे बच्चों को तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं, क्योंकि अपन ने अपने माँ बाप ने अपने परिवार ने यहाँ भेजा है तो अपन को पढ़ने के लिए भेजा है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए भेजा है तो अपना दिमाग पॉजिटिव चीजों जिससे अपन अपनी लाइफ को कैसे सक्सेस बना सकते, तो सफलता के लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निकल एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी, अपने को स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने कहा है इंग्लिश में आर्मी में होना कोई जरूरी नहीं है, जो तो बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट है आर एस में जाए आई एस में जाए वो चीजें तो है ही नहीं, लेकिन मैं तो अपना बेसिक बता रहा हूँ, तो टाइम खाली कौन की बात है, तो उसमें अगर आप आर्मी और पुलिस की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो अपना जो तो नाम पीछे काफी टाइम से वीडियो से चला रहा है तो वो नाम अपना मेंटेन रहेगा, वो नाम अपना रेगुलर चलेगा, इसके लिए अपन को जरूरी है कि अपन विशेष तैयारी करें तो पुलिस और आर्मी एग्जाम से। आज एक प्रोग्राम रखा हुआ है मुझे ये बताया गया है कि आज जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है ये प्रोग्राम विशेष रूप से हमारे दो बच्चे हैं जिन्होंने तैराकी के अंदर गोल्ड मेडल